कूलर आपने क्यों लगा रखा है थोड़ा ये बताओ। कूलर इस तरह है जी, अब से 4-5 दिन से जी, क्योंकि जी गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर अंदर जी वो फुल हो जाता है जी। हाँ, इस वजह से जी। अच्छा। एकांत में जी खुले में है जी, थोड़ी गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए मैंने कूलर लगाना पड़ा जी। कूलर लगाना पड़ा। हाँ जी। अच्छा, आपने अभी तक कुछ मुर्गा वगैरह भी सेल किया है? हाँ जी किया जी। क्या रेट में सेल किया है आपने लगभग? सर मैंने 800 से लेकर 1200 तक के बीच में सेल किया है। 800 से लेकर 1200 रुपए, मतलब काफी अच्छा रेट मिल रहा है जी। ठीक है, तो कहाँ बेचते हो आप, थोड़ा सा इस बारे में बताओ मुझे। सर इस तरह है जी, मैं अपने मान ले इंस्टाग्राम या फेसबुक पे लगाता रहता हूँ, उसके हाँ। माध्यम से मेरे पास बंदे के फोन आ जाते जी, वो ले जाते हैं। अच्छा, ये बड़ी आपके इधर फेमस सी चीज लग रही है ना? क्या जी? ये जो आपने ये लगा रखी ऊपर। हाँ जी। ठीक है, ये क्या है, मतलब क्या इस तरीके से बांस लगा के ऊपर क्या डाल रखा है इसके लिए? बांस लगा के जो ऊपर इस तरह है जी, हमने जिसके ऊपर यानी कि बाजरे के पोले वगैरह डाल रखे हैं। हाँ हाँ। ऊपर फिर थोड़ी मिट्टी डाल के त्रिपाल लगा, फिर मिट्टी डाल के इससे छत ठंडी रहती है। छत ठंडी रहती है, इसमें पानी नहीं बैठता है? नहीं, पानी नहीं बैठता, इसे टेम्परेचर मेंटेन सही रहे। हाँ हाँ हाँ। मैं देख रहा हूँ आपके इधर बहुत मतलब लोगों ने ये इस टाइप से कर रखा है ना? ये सस्ता भी पड़ता है। नहीं, सस्ता भी पड़ता है और ठंडा भी रहता है ना, बर्ड के लिए भी हेल्प करता है। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोल्ट्री पैन इन्फो में। और दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, आज फिर से एक देसी पोल्ट्री फार्म पे आया हूँ। और जो ये देसी पोल्ट्री फार्म है, जो इसके जो फार्मर भाई है, ओनर हैं, इसके जो मालिक जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में, वो क्या है कि इसको साइड बिजनेस के तौर पर इन्होंने फार्म स्टार्ट किया है। वो खेती भी करते हैं, साथ में किराना स्टोर भी है उनका, और उन्होंने अपने खेत के मतलब बगल में ये इस टाइप का देसी पोल्ट्री फार्म बनाया, बहुत ही कम कॉस्ट में और मतलब पक्का साइड बनाया। तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको देसी पोल्ट्री फार्मिंग की। और साथ में दोस्तों आपको बता दूं, जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, ये मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई जुड़े हुए हैं, तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। आपको क्या करना है, आपके स्टेट का नाम और अपने खुद का नाम लिख के मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है, ताकि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवा सकूँ, जिससे आपको मार्केटिंग करने में मदद मिलेगी। साथ में जो पोल्ट्री फार्मिंग में बीमारी आती है, वो भी आप एक दूसरे पोल्ट्री फार्मर भाई से सीख सकते हो। बाकी चलिए, जो आज की वीडियो उसको यहाँ पे हम कवर करते हैं। तो नमस्कार भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा अपने बारे में और अपनी इस फार्म की लोकेशन के बारे में बताएं, जहाँ पे आपने ये देसी पोल्ट्री फार्म कर रखा है। भाई साहब, मेरा नाम संदीप कुमार है। हाँ। मैं गांव डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, गांव ढींसरा का रहने वाला हूँ। अच्छा, मैंने ये फार्म अपनी, स्टेट आपका हरियाणा है? हरियाणा है जी। अच्छा, जिला फतेहाबाद है जी। अच्छा, आपने ये देसी पोल्ट्री फार्म कर रखा है? हाँ जी। अच्छा, कितने टाइम हो गया आपको देसी पोल्ट्री फार्म करे हुए? सर भी इस तरह है जी, मेरे को 3 मंथ ही हुए फिलहाल तो। अच्छा, मतलब क्या विचार आया कि भी आपको ये देसी पोल्ट्री फार्म करना चाहिए? अच्छी खासी किसानी कर रहे हो, आपने वो भी बताया मेरे को कि आप परचुनी की भी दुकान है आपकी, है ना? हाँ जी। तो मतलब क्या जरूरत पड़ेगी इसकी भाई? जरूरत इस तरह है जी कि खेतीबाड़ी तो करते हैं, साथ में किराना स्टोर भी है। हाँ। हमने सोचा भी उसके हिसाब से भी थोड़ा साइड बिजनेस और होना चाहिए। और होना चाहिए। हाँ। अच्छा, आपने ये साइड बिजनेस कर लिया फिर? ये साइड बिजनेस कर लिया जी। अच्छा, ये पार्ट टाइम में भी ये भी काम हो जाएगा। अभी तक तो आपको वैसे 3 ही महीने हुए, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहेंगे, जो आपने फार्म बनाया, पक्का साइड बनाया आपने एकदम जी, इस पे लगभग कितना खर्चा आ गया और क्या क्या लगा हुआ है इस फार्म के अंदर? इस पक्के साइड बनाने में सर मेरे को मान लो एक बार तो थोड़ा नॉर्मली बनाया है मैंने। हाँ हाँ। इसके अंदर मैंने कच्ची छत ही लगाई, बांस की सरकी वगैरह। हाँ हाँ। भी जैसे छत ठंडी रहे। हाँ। मतलब इनका टेम्परेचर मेंटेन है। ईंट वगैरह लगी हुई इसकी? ईंट वगैरह लगी। तो ईंट कितनी की लग गई इसके अंदर? और कितने बाई कितने का फार्म है ये? ये जी 15x12 का है जी। 15x12 का फार्म है, मतलब 15 लंबाई है और 12 इसकी चौड़ाई है जी। अच्छा, लगभग कितनी ईंट लगी इसके अंदर आप? इसके अंदर करीब ईंट लगी सर 3000+ लगी। 3000+ ईंट लगी। क्या रेट आई थी ईंट और कितने नंबर की ईंट लगी हुई इसके अंदर? ईंट जिस तरह है जी, मैंने मंगाई थी 1.5 नंबर जी पहले। ठीक है, वो मेरे आई थी 4400 रुपये रेट जी। 4400 रुपये की 1000 ईंट आई थी। अच्छा, लगभग कितने की पड़ गई है? लगभग 4 रुपये समथिंग की पड़ गई है ना? 4 से थोड़ा वो लगा लो। हाँ। अच्छा अच्छा भाई, थोड़ा बारिश आने लगी, बाकी फार्म अंदर आपका चल के देखेंगे, वहाँ भी जानकारी लेंगे। आप फार्म दिखाओ अपना एक बार। तो अच्छा, आपने ये पक्का दरवाजा लगा रखा है? हाँ जी। ठीक है, ये मतलब मेरे को अच्छी चीज़ लगी कि आपने ये बना रखा है, ये ना। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें मतलब कम खर्चा आता है इस टाइप का गेट बनवाए, या फिर मतलब क्या वजह है आपने फाइबर लगा रखा है इसके अंदर? हाँ, इससे जी मान लीजिए लोहे के फ्रेम में जी मैंने फाइबर शीट वो कर दी, जिससे कम खर्चा आता है जी। हाँ हाँ। ठीक है। हाँ। इससे सेफ्टी भी ठीक रहती है जी। हाँ हाँ। बारिश वगैरह भी अंदर नीचे नहीं जाएगी, बारिश भी नहीं जाएगी। हाँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो आपने देखो कूलर भी लगा रखा है? कूलर लगा रखा है। चलो आगे चलो। आओ जी, आपको जी पोल्ट्री फार्म दिखाता हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं गेट बंद कर देता हूँ आपका, एक बार आप कर ये देखना एक बार।
तो ये देखो भाई ने देखो बिल्कुल अच्छे जुगाड़ से या इस टाइप से बन रखा है, ये ऐसे खुलता नहीं है आपका अगर ये वो टूट गई है। अच्छा तो भाई ने ये पोल्ट्री फार्म बना रखा है, बढ़िया कूलर लगा रखा है, अभी कूलर चल रहा था, अभी तो लाइट गई होगी शायद, है ना? हाँ जी लाइट गई। ठीक है, तो ये कूलर लगा रखा है, कूलर आपने क्यों लगा रखा है थोड़ा ये बताओ। कूलर इस तरह है जी, अब जी 4-5 दिन से जी, क्योंकि जी गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर अंदर जी वो फुल हो जाता है जी, इस वजह से जी, क्योंकि एकांत में जी खुले में है जी थोड़ी गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए मैंने कूलर लगाना पड़ा जी इनके लिए। कूलर लगाना पड़ा। हाँ जी। अच्छा, आपने ये जो नस्ल डाल रखी है कौन सी नस्ल है इसमें जी? हाँ, इसमें जी ब्लैक ऑर्केस्ट्रा लोका जी, RRI है जी, FFG है जी, FFG है। हाँ जी, मतलब तीन नस्ल पाल रखी है। तीन नस्ल है जी। कौन सी नस्ल आपको सबसे अच्छी लगी फिलहाल जी? मौके पर जी मेरे पास सारी बढ़िया है जी, सभी बढ़िया है। हाँ जी। अच्छा, नहीं फिर भी मतलब आप तीन नस्ल पाल रखी है, ब्लैक एस्टलोप, RIR और कौन सी बताई आपने? FFG। अच्छा, इन तीनों नस्लों की खासियत बताओ थोड़ा सा। चलो अच्छी है अपनी तीनों बर्डी, लेकिन फिर भी खासियत बताओ भाई, क्या खासियत है? खासियत इस तरह है जी, मैंने जी ये अंडे के हिसाब से जी खरीदी है जी, क्योंकि मेरी शॉप है जी वहाँ भी लग जाते हैं, और वैसे अंडे की बिक्री ठीक है जी। अच्छा, नहीं बर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, कौन सी बर्ड आपको अच्छी लगी? मतलब कि RIR का ब्राउन अंडा आता है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो मतलब कौन सी है आपको बर्ड अच्छी लगी भाई, जिसका अंडा अच्छा बिक रहा है और मतलब वेट भी अच्छा गेन कर रही है? FFG लगभग मेरे ज्यादा चल रही है। अच्छा, FFG वेट गेन अच्छा करती है जी। अच्छा, आपने अभी तक कुछ मुर्गा वगैरह भी सेल किया है? हाँ जी किया जी। क्या रेट में सेल किया है आपने लगभग? सर मैंने 800 से लेकर 1200 तक के बीच में सेल किया जी। 800 से लेकर 1200 रुपए, मतलब काफी अच्छा रेट मिल रहा है जी। ठीक है, तो कहाँ बेचते हो आप, थोड़ा सा इस बारे में बताओ मुझे। सर इस तरह है जी, मैं अपने मान ले इंस्टाग्राम या फेसबुक पे लगाता रहता हूँ, उसके माध्यम से मेरे पास बंदे के फोन आ जाते जी, वो ले जाते हैं आगे। मतलब कि आपके जितने भी फेसबुक पे आजकल क्या है सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का वो जमाना आ रहा है जी फिलहाल। ठीक है, उसके थ्रू जी अपना काम चल जाता है बहुत बढ़िया। अच्छा, तो मतलब कि क्या है कि आपने फेसबुक पे पूरे गांव के आजकल सदस्य जुड़ जाते हैं, है ना, वहाँ पे आप ऐड कर रहे हो आप? हाँ जी। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है कि जो भाई अपने वो अपना बिजनेस के रूप में सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, है ना? हाँ जी सर, ये अच्छा। सबसे अच्छा बढ़िया वो माध्यम है जी, बढ़िया माध्यम है। ठीक है, अच्छा अंडा वगैरह भी सेल किया आपने अभी तक? अंडा वगैरह सेल किया जी। कितने रुपए में अंडा सेल किया है? इस तरह सर जी, फिलहाल अभी मतलब 25 रुपए पर पीस चला रखे है जी। हाँ, अभी तो गर्मी का गर्मी टाइम है जी। इस टाइम भी बिक रहा है अपना अंडा? हाँ बिक रहा है जी, इन दिनों थोड़ा से माले रेट घटाना पड़ गया जी। हाँ, माले 20 रुपए पर दे रहे हैं। 20 रुपए दे रहे हो, वैसे 25 रुपए अच्छा रेट मिल जाता है? 25 रुपए अच्छा रेट मिल जाता है। तो समस्या तो नहीं आती ना, मतलब कोई भाई बेचने बेचने में? नहीं कोई समस्या नहीं आती जी, कोई समस्या नहीं आती, मतलब लोग ले जाते हैं? ले जाते जी, हमारे पास तो पूर्ति नहीं हो रही पूरी इनकी। अच्छा, पूर्ति नहीं गर्मी में भी? अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि देखो पूर्ति नहीं हो रही आपसे, है ना? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई पोल्ट्री फार्मर भाई देख रहा है इस वीडियो को, या मतलब कि करने का शौकीन रखता है, तो अपना साइड बिजनेस बना सकता है, अपना घर का खर्चा चला सकता है। हाँ जी। अच्छा भाई, ये बताओ मुझे, आपने बर्ड पाली छोटे चिक्स लेके आए थे या आपने बड़े से स्टार्ट किया था? नहीं सर, कुछ मैंने बड़े लिए थे पहले। और मतलब चिक्स नहीं लेके आए आप? उसके बाद में चिक्स लेके आया था छोटे, पहले मैंने बड़े पाले थे। कितने चिक्स लेके आए थे लगभग आप? मैंने करीबन 100 पीस लिए थे। 100 पीस लिए थे आपने? अच्छा, 100 पीस चिक्स क्या रेट पड़े थे आपको? मेरे को पड़ा था यानी कि 100 के हिसाब से लिया जिस टाइम, तो मेरे को पड़ गया था 30 रुपये पीस। 30 रुपये पीस। हाँ जी। अच्छा, 100 मतलब लगभग 3000 के हो गए, है ना? हाँ जी। ठीक है, कौन सी नस्ल थी वो जो आप लेके आए? उसमें भी ये मिक्स ही थी जी, RRI जिस तरह, FFG, ब्लैक ऑर्केस्ट्रा। कहाँ कहीं हैचरी से लेके आए थे आप? आसपास नजदीक कोई आसपास ही? मैं इसको जी इससे बालसमंद साइड से ले आया था जी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बार देखते हैं थोड़ा सा और फार्म भी देख लेते हैं। ये देखो भाई का फार्म है। अच्छा, ये बड़ी आपके इधर फेमस सी चीज लग रही है ना? क्या जी? ये जो आपने ये लगा रखी ऊपर? हाँ जी। ठीक है, ये क्या है, मतलब क्या इस तरीके से बांस लगा के ऊपर क्या डाल रखा है इसके? ये बांस लगा के जी ऊपर इस तरह है जी, हमने जिसके ऊपर यानी कि बाजरे के पोले वगैरह डाल रखे हैं। हाँ हाँ। ऊपर फिर यानी थोड़ी मिट्टी डाल के त्रिपाल लगा, फिर मिट्टी डाल के इसे छत ठंडी रहती है। अच्छा, ठंडी रहती है, इसमें पानी नहीं बैठता? नहीं पानी नहीं बैठता, इसे टेम्परेचर मेंटेन सही रहे। हाँ हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ आपके इधर बहुत मतलब लोगों ने ये स्टेप से कर रखा है ना। ये सस्ता भी पड़ता है? नहीं सस्ता भी पड़ता है और ठंडा भी रहता है ना, बर्ड के लिए भी हेल्प करता है। अच्छा अच्छा, अंडे वगैरह अभी दिखाना, एक बार अंदर वाली जो बर्ड है अभी, ये लगभग कितनी बर्ड है टोटल अपने पास में? अभी बर्ड मेरे पास है लगभग ये 90 के करीबन अंदर का। कितने? मतलब टोटल तो मेरे पास है यानी 160-170 के पीस बीच में। 160 के करीब है। हाँ जी। अभी दाना कितना दे रहे हो आप और क्या कॉस्ट पड़ रही है लगभग दाने की?
दाना फिलहाल जी इनको फिलहाल अभी तो बाजरी थोड़ा दलिया से चला रखा है जी। हाँ मतलब घर का ही घर का चला रखा है जी फिलहाल। हाँ मतलब सस्ता पड़ जाता है। सस्ता पड़ जाता है जी। अच्छा लगभग कितना खर्चा आ रहा है फिर भी उस पर थोड़ा बताना चाहोगे? मतलब केजी के हिसाब से बता दो भाई कितना। केजी के हिसाब से बताऊँ तो जी सर आप इनको 150 बर्ड है अपने पास में? 150 बर्ड है तो मान लीजिए करीबन 15 करीबन दाना लग जाता है केजी। 15 केजी पर डे का? अच्छा 15 से प्लस ही है। 15 से प्लस ही है। हाँ बस कुछ मान लीजिए थोड़ा बहुत खुला छोड़ देते हैं ऐसे वैसे पेट भर लेते हैं। अच्छा तो 15 केजी आप दाना दे रहे हो? हाँ जी। ठीक है लगभग बाजरा 22 के आसपास हो रखा है ना? हाँ जी। ठीक है तो ये भाई ने जैसे अपना बाजरे का भी कॉस्ट बता दिया और वैसे भी बता दिया। अच्छा अंदर भी बना रखा है एक बार दिखाना थोड़ा अंदर चल के। चलो ये देखो। अच्छा वजन अच्छा खासा है आर आई आर के मुर्गे का भी मुर्गियों का भी है ना? हाँ जी। ठीक है ये देखो ये मुर्गी एक बार दिखाना आप एक बार अंदर निकाल के। ये बिठा रखी है आपने? हाँ जी बिठा रखी है। ये सेवन पे बिठा रखी है? हाँ जी। ये वैसे आर आई आर की मुर्गी है ना उस पे बैठी हुई है लेकिन ये देसी है देसी क्रॉस में है? देसी क्रॉस में जी। ठीक है ठीक है। वैसे आर आई आर की मुर्गी बैठती नहीं है। आर आई आर हो गया डबल एफ जी हो गया है ना बाकी ये मुर्गी बैठी हुई और अंडे भी काफी अच्छे साइज के आ रहे हैं इसके। अच्छा ये बर्ड है अपने पास? ये बर्ड है जी। थोड़ा अंदर वो लाइट गई हुई है थोड़ी सी लाइट गई हुई है ये बाकी दिखाने की कोशिश करेंगे। अच्छा वैसे इसके अंदर आराम से ठंड रहती है आपने जैसे कूलर लगा रखा है पंखा भी लगा रखा है? हाँ मैंने इसके अंदर पंखा लगा रखा। ठीक है ठीक है आ जाओ बाहर। तो भाई आपका एक बार दोबारा से नाम बता दो एड्रेस बता दो अगर किसी भाई को आपसे मुर्गे खरीदने हो चूजे खरीदने हो या कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो है ना? मेरा नाम संदीप कुमार है जी। हाँ जी मैं डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद गाँव डीसरा रहने वाला हूँ। हाँ ठीक है जी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जी 9588-33-325 है। अच्छा इस नंबर पर मेरे पास संपर्क कर सकते हैं जी। अच्छा कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अच्छा कैसा बिजनेस है थोड़ा कोई नया पोल्ट्री फार्म भाई करना चाहे तो उसे सलाह दो कुछ अच्छी। सलाह इस तरह है जी पोल्ट्री फार्म वैसे ठीक है जी। हाँ एक्सपीरियंस बताओ कुछ अपना शेयर करो मतलब आपने अभी तक तो कोई नुकसान या मतलब कोई प्रॉफिट कैसे मतलब? नहीं अभी तो जी प्रॉफिट में चले जी अपना जितनी पूंजी लगी है लगभग जी पूरी हो चुकी है। पूरी हो गई है। ठीक है कितनी कॉस्ट आई थी आपकी साइड पे लगभग? साइड पे लगभग जी मेरी फिलहाल तो एक बार जो 45,000 रुपये आई थी। 45,000 आई थी। पक्का साइड बना रखा है ना आपने? हाँ पक्का बना रखा है लगा रखी सारी चीज़। अच्छा ठीक है भाई धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और हमारे चैनल पर आने के लिए।